ये हमारे उत्तराखंड की फेमस दाल रेसिपी है, मासचेस। ये है उड़द की दाल, मैं बना रही हूँ मासचेस, पहाड़ी रेसिपी है। मैंने लिया है दली हुई दाल, इसे मैं ज़रा और कुटकुटाऊंगी। तो ये हमारी पहाड़ी रेसिपी है मासचेस, बड़ी टेस्टी होती है फ्रेंड्स। अब इसे मैं सिलबट्टे पे जरा जरा हल्का हल्का करके फिर आपको दिखाऊंगी। इस तरह से हल्के हल्के मासेस हैं, साबुत वाले करते हैं लेकिन मैंने सोचा ये वाला दिखा दूँ। तो इस तरह से ये भी कर सकते हैं, जरा सा हल्का हल्का, फिर आपको दिखाती हूँ। हल्का हल्का मैंने सिलबट्टे से गड़बड़ा सा कर दिया है और अब इसे जरा साफ करूँगी, छीट कर ऐसे गंदगी निकलती है, ये काले छीटकर इसे साफ करना है। पूरा नहीं निकली है फिर भी जरा जरा सा काले काले को निकाल दूँगी, साफ करूँगी। तो फ्रेंड्स मेरे तेल हो गई, सरसों के तेल गरम। ये मैंने जरा जरा वो जो साफ किया था मैंने जरा जरा सिलबट्टे पे पीस के, इसको अब गैस कम कर देती हूँ और इसे जरा भून लेती हूँ। अब इसे डालती हूँ, इसे धोना नहीं पड़ता है, ये साफ ही है फ्रेंड्स। इसको साफ करके रखती हूँ, सुखाती हूँ। प्याज बारीक कटी हुई है, लहसुन बारीक कटी है, अदरक और हरी मिर्च, इसी के ऊपर ये हल्का ब्राउन होने से जरा पहले इसे डाल देती हूँ। मेरे ख्याल से तेल भी जरा ज़्यादा हो रखी है, मैं तेल ज़रा कम करूँगी। ये हल्का हल्का इस तरह से भून लिया फ्रेंड्स, देखिए अब ये ब्राउन हो गए फ्रेंड्स, देखिए हल्का हल्का दिखाई दे रहा कलर में, पता लग रहा है हल्का ब्राउन हो गया है। मैंने चावल के ये आटा भी मैंने कूटी हुई बारीक चावल ग्राइंडर में मैंने पीस लिया था, तो इसके रखती हूँ हमेशा, इसको ज़रा भिगो के रखती हूँ। ये पड़ते हैं हम इसमें भी मासचेस में भी, अब मैं डाल ही देती हूँ। देखिए लहसुन और अदरक को डाल देती हूँ, जरा खट्टे के लगते हैं ना खाते समय, दाल बड़ी अच्छी लगती है। अदरक हो गई, लहसुन की तो कुछ भी होते, अदरक की पत्ती जो हरी खुशन हरी मिर्च, ये अदरक और लहसुन मैंने डाल दिया है इसी में, ये भी भूनते रहेंगे, वो भी भूनते रहेंगे साथ ही, और साथ में हरी मिर्च भी दो तीन छोटे छोटे काटे थे मैंने, साथ ही भून लीजिए इस तरह। अब जरा सा गैस कम कर रखी है मैंने, अब इसमें डालती हूँ नमक। कुकर में भी करते हैं, कुकर में भी कर दिया तो चल जाते हैं नमक स्वाद अनुसार। अब इसे अच्छी तरह से भून लीजिए, अदरक लहसुन की खुशबू आ रहे हैं। अब डालूंगी हल्दी, इतना सा हल्दी डाल देती हूँ, और ये धनिया पाउडर, लाल मिर्च अपने स्वाद अनुसार डालिएगा जो जितना खाता है। अब मैंने अच्छी तरह से भून लिया, मेरी फ्राई हो गई मतलब तल गई, ब्राउन हो गई। अब इसमें डालूंगी मैं ये चावल के पानी, चावल वाला मैंने रखे थे इसे ही डालूंगी मैं, ये भी पकते रहेगा वो भी पकते रहेंगे, दोनों मेरे एक साथ ही बनते रहेंगे। चावल अच्छी तरह से, तो इसमें एक ज़रा सा गाढ़ा सा ये आएगी करी के लिए है ये चावल के ना, हम डालते हैं चावल या आटा कुछ तो, लेकिन चावल का अच्छा लगता है। अब मैं डाल दूँगी इसे पानी अपने हिसाब से, कभी डाल दीजिए, मैंने ठंडा पानी डाला है, आप लोग गर्म पानी डाल सकते हैं। ये स्वाद होता है ना पहाड़ में बनाए हुए दाल वगैरह सब्जी वगैरह। अब इसे ज़रा उबाल आने देते हैं फ्रेंड्स, अब देखती हूँ फ्रेंड्स मेरी सब्जी कितनी अच्छी तरह से बन गई है, गैस ज़रा ज़्यादा करती हूँ। अब तो बनी गई है ये, पूरी आधा घंटा लग गया है फ्रेंड्स, कुछ भी इतनी अच्छी आनी है। बस ये बनने में कुकर में अति जल्दी हो जाती, सॉरी फ्रेंड्स मेरे कुकर की आवाज़ भी आ रही होंगी, बनने में ज़रा टाइम लगता है ये पकने में, ऐसे और कम से कम 5-10 मिनट में पकने लगी। खुशबू भी अच्छी आ रही है इसकी, हल्के हल्के हिलाएगा ये, इसे और 5-10 मिनट में पकने दूंगी ढक्कन लगा के। फिर तो देखिए कितना अच्छे से पक गया है मेरे, बन गई है सब्जी मासचेस, ये बन गई है अच्छी तरह से। देखिए साइड में जो लगे ना टेस्टी होती है।
अब मैं देती हूँ ईजा को खाना। सब सब हरी धनिया डाल दिए, अब स्वाद और इसे की कमी थी। अब देखिए अब डालूंगी इसमें माशा चेस। ये हमारे उत्तराखंड के फेमस दाल रेसिपी है माशा चेस, उड़द की दाल की। फ्रेंड्स देखिए ये अच्छी लग रही है, ये माशा चेस। अब इसमें डालूंगी मूठ ठेजबे बड़ी। कितनी टेस्टी है हमारी पहाड़ी रेसिपी है फ्रेंड्स, माशा चेस और भात, ये लंच।